our channel Fantasy Fortune. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिडनी सिक्सर्स वुमेन वर्सेस मेलबर्न स्टार्स WBBL मैच जो कि खेला जाएगा सिडनी में. क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है. तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा. सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफी सारे हैं हमारे नाम के. रेगुलर वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो, अब WBBL भी स्टार्ट हो रहा है तो रेगुलर वीडियोस आपको स्किप टूर्नामेंट की मिल जाएगी. सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की. सो नॉर्थ सिडनी ओवल में मैच खेला जाएगा. अभी तक यहाँ पर जो वुमेन्स के T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं 42 खेले गए हैं और टॉस का बहुत ज्यादा क्रूशल नहीं रहा है. 23 मैच जो है वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है, 19 मैचेस जो है वो चेजिंग टीम जीती है. लेकिन देखने वाली बात है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर ना 151 रहा है और वुमेन्स के मैच कंसिडर करते हुए ये काफी हाई स्कोरिंग है. तो एक काफी अच्छा बैटिंग सरफेस देखने को मिलता है जहां पर अच्छे रन बनते हैं. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टूर्नामेंट के ओपनर में आपको अच्छे रन बनते हुए दिखने को मिलने चाहिए. बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की. सो सिडनी की तरफ से यहाँ पर एलिसा हीली ओपन करेंगी सूजी बेट्स के साथ, एशले गार्डनर है, क्लोई टेरोन है, यहाँ पर एरन बर्न्स है, कार्मिकेल है, ब्राउन है, यहाँ पर जेस्कर आपको खेलती हुई नजर आएंगी, केट पीटरसन है, फिर यहाँ पर चीटल और लिंडे स्मिथ आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं. यहाँ पर एलिस पेरी है जो वैसे टीम की कैप्टन है लेकिन पहले मैच पे उनपे बैन लगा हुआ है लास्ट ईयर के स्लो ओवर रेट की वजह से, तो पहला मैच मिस करती हुई नजर आएंगी. वहीं अगर हम बात करें मेलबर्न की तरफ से, मैग्लेनिंग ओपन करेंगी सोफिया डंकली के साथ, कैप्सी है, सदरलैंड है, बोशेर है, फिर यहाँ पर निकोल फाल्टू में किम गार्थ आपको खेलती हुई नजर आ जाएंगी, शाशा मोलोनी है, सोफी डे है, रायन मैकेना है और यहाँ पर जो है मिली लिनिंगवर्थ जो है आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं. तो वर्ल्ड कप चल रहा है और एक्सचेंज 22 पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं. ओडीआई फॉर्मेट में वैसे भी काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, जैसे रिसेंटली अभी 87 गुना जो है प्रॉफिट मिला यहाँ पर मुजीबुर रहमान, जिन्होंने मल्टीबैगर पिक में जो है इनको लिया था. सो अगर आपके पास एक्सचेंज 22 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नो जीएसटी, नो टीडीएस, फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड कर लो और KYC वेरीफाई करो तो आपको रियल कैश भी मिल जाता है खेलने के लिए. और एक्सचेंज 22 की रेगुलर पिक्स आपको हर मैच की हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना. पहले बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की. सो एलिसा हीली ओपन करेंगे यहाँ पर सूजी बेट्स के साथ. अब देखो एलिसा हीली थोड़ी जो है ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, तो एक तो विकेट कीपर के बहुत एडवांटेज रहते हैं वुमेन्स मैच में, मस्ट हैव पिक है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो ये मस्ट हैव पिक तो सबके पास होंगी एलिसा हीली. बट ये ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी रहती है क्योंकि इस वेन्यू पे भी शानदार रिकॉर्ड है इनका, 31 के औसत से है, हेड टू हेड में भी 41 का औसत है, आपको 2 से 3 कैच भी पकड़ के दे देंगी, प्लस ओपन आती है और ताबड़तोड़ खेलती है और ये चेजिंग में काफी अच्छा कर जाती है, ठीक है ना. सो ग्रैंड लीग में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, अगर रिस्क लेना है तो स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की. सूजी बेट्स कमाल की खिलाड़ी लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, वेन्यू पे भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, काफी लोग इन्हें ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, रिसेंट फॉर्म भी बहुत खास नहीं है, लास्ट मैच में 45 करे हैं जो लास्ट मैच खेला था, बट स्टिल फॉर्म साथ नहीं है, लेकिन जो है टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर रिस्क लेना है तो ट्राई किया जा सकता है. एश गार्डनर इंपॉर्टेंट रहेंगी, वन डाउन भी खेल सकती है, सेकंड डाउन भी आ सकती है, प्लस ये अपने ओवर पूरे करती है, तो भाई मस्ट हैव पिक है और मेरे हिसाब से इस मैच की बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहेंगी. मुझे लगता है स्मॉल लीग में हर कोई इनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन करने वाला है, स्पेशली कैप्टन. फिर आएंगी यहाँ पर एरन बर्न्स. एरन बर्न्स जो है ना काफी अच्छी ऑलराउंडर है और इनका ना बैटिंग से तो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता ही है, लेकिन ये ना अपनी स्पिन बोलिंग जो है ऑफ ब्रेक करती है, ये ना डेथ में भी आ जाती है. प्रॉब्लम क्या है इस बार जो सिमिलर रोल है ना वो एश गार्डनर का भी है, एश गार्डनर वो भी ऑफ स्पिन करती हैं और वो भी डेथ में बॉलिंग करा जाती हैं, तो हो सकता है कि एरन बर्न्स के ओवर थोड़े कट जाएं, ये चीज है, अदरवाइज ये प्लेयर अच्छी हैं तो ध्यान रखना है. क्लोई टेरोन बढ़िया ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका की, आपको बैटिंग भी करके देती है, चौके छक्के लगाती है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती है और विकेट्स निकाल सकती है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी वेन्यू पे. 6 मैच में 108 है, हेड टू हेड में ज्यादा कोई खास नहीं है, रिकॉर्ड ठीक है लेकिन प्लेयर अच्छी है तो एक अच्छी पिक आपके रहती है स्मॉल लीग में. फिर आएंगे यहाँ पर
कार्मिकेल ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ओनली फॉर ग्रैंड लीग, उसमें भी एक आधी टीम में ही ट्राई करना है। फिर यहाँ पर आएंगी ब्राउन। ब्राउन देखो रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, और ये लोअर ऑर्डर में आपके हिटिंग भी कर लेती है। इनका सिलेक्शन कम होगा, काफी कम होगा, लेकिन ये आपको पॉइंट दे सकती है और डेथ में भी बॉलिंग कर सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक आपके लिए डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकती है इस मैच में मैट ब्राउन। फिर यहाँ पर आएंगी जेस्कर, रीसेंट फॉर्म की बात करें, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं एक आधा विकेट जो है इस मैच में निकाल सकती हैं। सो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जेस्कर को ट्राई आप कर सकते हैं। केट पैटरसन रीसेंट फॉर्म अच्छी है, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, यहाँ पर जो है हेड टू हेड में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे देखो 5 मैच में 11 विकेट्स हैं, और यहाँ पर जो है ना डेथ में भी ये बॉलिंग कर सकती है, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक बन जाएगी केट पीटरसन। फिर यहाँ पर रॉयल चिटल है, इंजरी कंसर्न इनका थोड़ा है, कम बैक करेंगी, जो है बॉलर अच्छी है, खेलती है, तो एक आपके लिए अच्छी पिक बन जाएगी क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर है, विकेट्स निकाल सकती है। फिर आएंगे लिंडसे स्मिथ, सिलेक्शन ना इनका हार्डली 1% है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, ठीक है, और आपको मेरे हिसाब से अगर खेलती है तो 1 विकेट तो मैं इनका पक्का मान के चलूंगा, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये निकाल लेंगी एक आधा विकेट। सिलेक्शन इनका मुझे लगता भी 1% भी है, तो ग्रैंड लीग के लिए मस्ट हैव पिक, रिस्क लेना है तो स्मॉल लीग में भी कंसीडर कर सकते हैं। डेथ बॉलिंग की बात करें, पीटरसन है, जेस्कर है, जरूरत आने पर एश गार्डनर भी डेथ में बॉलिंग करने आ जाती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो हीली है, गार्डनर है, ट्रायोन है, पीटरसन और चिटल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स की, तो अगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और बेल आइकन भी दबा देना। बात करते हैं मेलबर्न स्टार की, सोफिया डंकली ओपन करेंगी मैग्लेनिंग के साथ। अब देखो डंकली ने ना रिसेंट टाइम्स जो है बॉलिंग करना स्टार्ट किया और विकेट्स निकाल भी रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस रहेगी कैप्टन की, ठीक है, ओपन करती है और जरूरत आने पर बॉलिंग भी करती है, और इस टीम का ना जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो जो इनके ऑलराउंडर है वो ओवर कर सकते हैं, तो सोफिया डंकली भी अगर 1-2 ओवर कर जाए तो सरप्राइज ना होना इस मैच में। फिर यहाँ पर मैग्लेनिंग जो है टीम की एक बेहतरीन प्लेयर है, रीसेंट फॉर्म मैं कहता हूँ ये खिलाड़ी हमेशा फॉर्म में ही रहती है, अगर आप इधर हेड टू हेड में देख लो 10 मैच में 66 के औसत है, वेन्यू पे देख लो वो 37 का औसत है T20 में, रीसेंट फॉर्म देख लो 73 51 35, तो भाई कमाल की प्लेयर है। अगर आपने बैटिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन करनी है तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी मैग्लेनिंग, अच्छी खिलाड़ी है। फिर यहाँ पर आएंगी कैप्सी है, 1 डाउन बैटिंग करेंगी, कुछ ओवर आपको ऑफ स्पिन के भी देंगी, अटैकिंग खिलाड़ी है, काफी लोग इन्हें कल के मैच में वाइस कैप्टन करेंगे, ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए वाइस कैप्टन का ऑप्शन है। ये मारिया बोशियर देखो ये खिलाड़ी की ना रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है और ये बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, और ये एक ऐसी खिलाड़ी है ट्राई कम लोग करेंगे लेकिन ये गेम चेंजर पिक हो सकती है। कब ट्राई करना है, अगर टीम की पहले बैटिंग आती है उस केस में, क्योंकि सेकंड डाउन बैटिंग करेगी तो चेजिंग के टाइम पे थोड़ा रिस्क रहता है, बट 1 डाउन जो है सेकंड डाउन बैटिंग करिए तो बैटिंग करते हुए बैटिंग पहले आती है, तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर कंसिडर कर लेना। एनाबेल सदरलैंड अगर आप देखें रिसेंट फॉर्म शानदार, 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, वेन्यू पे कोई खास नहीं है, हेड टू हेड भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और जिस तरीके की इनकी टीम का कॉम्बिनेशन है सदरलैंड जो है बैटिंग और बॉलिंग स्पेशली बॉलिंग में काफी यूजफुल होंगी, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी और कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहेगी स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगी फाल्टुम, मैं ओनली फॉर ग्रैंड लीग, अगर 10-12 टीम लगा रहे हो एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हो, एलिस पेरी एवरीडे बेस्ट प्लेयर रहेंगी। किम गार्थ की बात करें, किम गार्थ इंपॉर्टेंट है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है और इस टीम में हेड टू हेड में 6 मैच में 10 विकेट निकाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग में कैप्टन, स्मॉल लीग में एज अ नॉर्मल प्लेयर काफी अच्छी पिक रहेंगी। फिर यहाँ पर आएंगी मिली लिलिंगवर्थ, न्यू प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, सरप्राइज कर सकती है 1-2 विकेट निकाल के, तो अगर ये खेलती हैं तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग में इनका सिलेक्शन 1-2% ही जाएगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ नई प्लेयर है और अच्छा कर सकती है, डेथ में भी बॉलिंग कर जाए और सरप्राइज ना होना, तो अगर ये खेलती है तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में तो थोड़ा रिस्की ही रहेंगी। शाशा मोलोनी की बात करें, अब देखो ये जो ऐसी खिलाड़ी हैं इनसे ना बॉलिंग थोड़ी कम कराई जाती है, लेकिन अगर ये जब चलती हैं तो अच्छा भी कर जाती हैं, रीसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 4, हेड टू हेड में 12 मैच में 2 विकेट, प्रॉब्लम यही है कि ये 4 ओवर पूरे देंगी या नहीं ये कंसर्न रहता है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। यहाँ पे मैकेना 20 मैच में 6 विकेट के ओवरऑल बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई की जा सकती है, अब देखो इसकी इनकी टीम की ना ये चारों बॉलर है ये थोड़ी इनएक्सपीरियंस है, इसी वजह से किम गार्थ सदरलैंड जो है कैप्सी जो है इनके ज्यादा ओवर होंगे, इनके ओवर्स ना कट सकते हैं, तो ये खिलाड़ी रिस्की है, लेकिन इन प्लेयर्स का सिलेक्शन 1-2% है, तो अगर आप मल्टीपल ग्रैंड लीग लगा रहे हो तो इन प्लेयर्स को आपने रोटेट कर सकते हैं। मैं कहना
मेरे हिसाब से अच्छी बॉलर है, सरप्राइज कर सकती है बट स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगी। सोफी डे है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अच्छा कर सकती है, रिसेंट फॉर्म लेकिन उतनी अच्छी नहीं है तो रिस्की ही रहने वाली है। डेथ बॉलिंग की बात करें, किम गार्थ और सदरलैंड है इंपॉर्टेंट पेयर की। अगर इस टीम से बात करें, डंकली है, मैगलैनिंग है, कैप्सी है, सदरलैंड है और किम गार्थ, ये पांच खिलाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की। सो गार्डनर जो है बेस्ट पिक रहेंगी, सदरलैंड, कैप्सी और मैगलैनिंग को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ग्रैंड लीग की बात करें, एलिसा हीली, किम गार्थ और सोफी डंकली, ये काफी अच्छी पिक्स रहेंगी, तो आप इन प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। सेक्शन में यहाँ पर फाल्टुम है और हीली है, तो हीली को हमने लिया है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, सो बैटिंग सेक्शन में मैगलैनिंग है, पेरी जैसा मैंने बताया अनअवेलेबल है पहले मैच के लिए, डंकली को लिया है, यहाँ पर ट्रायोन को लिया है। आप देखो बेट्स एक अच्छी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर बाउशियर है, ये बढ़िया प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में चल रही है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, सदरलैंड, कैप्सी, गार्थ और गार्डनर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब दो प्लेयर बचती है, बर्न्स और यहाँ पर जो है ब्राउन, मैंने ब्राउन को लिया है, आप चाहें तो बर्न्स को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों को भी रखा जा सकता है। अभी के लिए बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने जो है पीटरसन को लिया है और यहाँ पर मैंने जेस कर को लिया है, तो अभी के लिए हमारी स्मॉल लीग की टीम ये बन जाती है। इसमें हम एरिन बर्न्स को ट्राई कर सकते हैं कि उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन मैंने गार्डनर को किया है, वाइस कैप्टन मैंने सदरलैंड को किया है, तो ये रहेगी स्मॉल लीग की टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो दो टीम्स क्रिएट करी है। टीम वन की अगर हम बात करें, सदरलैंड को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जो है हमने गार्डनर को किया है। टीम टू की बात करें, टीम टू में हमने गार्डनर को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन जो है कैप्सी को किया है। पहला मैच है, ग्रैंड लीग जरूर खेल लेना, मल्टीपल टीम्स लगा सकते हो, जो प्लेयर बताए हैं उनको रोटेट करके, तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।